जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। एक स्टार्ट में मैं आपको बात बता दूं कि आप अगर नोट करें तो जो चार चार तीनों टेंसेस के जो चार चार डिवाइडेड हैं, जो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, कैटेगरीज हैं, उनको उन कैटेगरीज को आप पहले जैसे सिंपल सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दो पहले जो टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये बेसिक कैटेगरी में आते हैं। यानी यहाँ पे वो कामों को कामों का वो काम बताए जाते हैं जो कि हो रहे हैं। सिंपल जो हो रहे हैं, जो उस वक्त हो रहे हैं, तो उनकी सिचुएशन बताई जाती है कि वो अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंपल, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है थोड़े एडवांस्ड सेंटेंस टेंसेस की, जो कि परफेक्ट हैं, यानी जिससे ये पता चलता है कि काम हो चुका है। तो उसकी भी दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी इसको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो हमने लास्ट वीक लास्ट हमारा लेक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसको सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट भी कहते हैं। सिंपली काम हो चुके का हो चुकने का बताया जाता है। और उसके बाद उसका जो दूसरी बी टाइप है वो है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस थी और फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस था, इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट और फिर सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट के बाद उन्हीं कामों को एक में बताया जा रहा है, काम होने का सिर्फ बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कितना हो गया है, क्या है, कितना रह गया है, ये नहीं बताया जा रहा। उसके बाद जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस था, उसमें था कि वह भी हो रहा है। तो इसी तरह से द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में द सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट के बाद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, जिसमें काम कितना मुकम्मल हो चुका है या काम मुकम्मल होने से पहले कितना होता रहा है, इसके बारे में थोड़ी बात होती है। और ये एडवांस्ड टेंस है। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो उसका मतलब है आप थोड़ा सा आप बेसिक टेंसेस को समझना शुरू हो गए हो और अब आप एडवांस की तरफ जा रहे हो। और इसका बहुत ज्यादा जब आप थोड़ी एडवांस्ड लेवल की राइटिंग करते हो, जैसे सीएसएस में या आप मुकाबले के इम्तिहानात में, आइट्स में और इस तरह के आप एग्जाम्स में अपीयर होते हो, तो वहाँ आप जब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हो, जब आप फिकरात लिखते हो, सेंटेंसेस लिखते हो, तो वो इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाता है एग्जामिनर पे और उनको पता चलता है कि आपको एडवांस्ड टेंसेस की समझ है और आप एडवांस्ड वे में एक बेहतर तरीके से बात करना जानते हैं। तो आज हमारा आप इसके पिछले टेंसेस, आप अगर आप बेसिक टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस, सिंपल परफेक्ट टेंस, अगर आप अभी तक इसकी ले चुके हैं आप लेक्चर्स, तो बहुत अच्छी बात है, समझ चुके हैं। अगर नहीं तो आप YouTube चैनल पे आप जाइए और YouTube चैनल पे आपको इसकी तमाम रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी और आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो, और अगर आपने पहले से नहीं लिए तो आप ले सकते हो। तो द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अभी मैंने सिंपल से इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसको मजीद हम इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन पे जरा गौर कीजिएगा।
ही हैज बीन प्लेइंग टेनिस इन द आफ्टरनून. वो दोपहर को टेनिस खेलता रहा है. हैव यू बीन टेकिंग एनी पिल्स फॉर द पेन. क्या तुम दर्द के लिए गोलियां इस्तेमाल करते रहे हो. We've been expecting a call from him. उर्दू है इसकी, हमें इसकी तरफ से बुलावे का इंतजार रहा है. She has been studying history of art in school. वो स्कूल में आर्ट की तारीख का मुतालिया करती रही है. They have been running a bookshop for the last 10 years. वो गुज़िश्ता 10 वर्ष से एक किताबों की दुकान चला रहे हैं. अब अगर आप गौर करें तो ये तमाम जुमले ऐसे कामों को जाहिर कर रहे हैं जो माजी में किसी वक्त में शुरू हुए और हाल तक कुछ अरसा मुसलसल होते रहे या अब भी हो रहे हैं. यानी पास्ट में शुरू हुए और अब तक या तो जारी रहे हैं या अभी भी जारी हैं. और अगर आप इनके उर्दू फिक्रों पे गौर करें तो इनके आखिर में आ रहा है ता रहा है, खेलता रहा है, इस्तेमाल करते रहे हो, इंतजार रहा है, मुतालिया करती रही है और चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं. उर्दू में ये आ रहा है ते रहे हो, ता रहा है, या रहा है, रही है, चला रहा है. और इंग्लिश में आप देखो तो इसमें has been playing, सिंगल थर्ड पर्सन के साथ has के साथ been आ रहा है. परफेक्ट में हमारा था, सिंपल परफेक्ट में था has और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें क्या आ रहा है, has के साथ been आ रहा है और उसके बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ing फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing लगा हुआ है. इस तरह से यू के साथ हैव आ रहा हैव के साथ बीन आ रहा है और फिर टेकिंग. इसी तरह से वी के साथ भी हैव बीन एक्सपेक्टेड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, हैज बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, हैव बीन रनिंग आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी हैज हैव बीन आया है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, है ना. तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. अगर आपके सामने कोई जुमला ऐसा लिखा हुआ हो, एक ऐसा इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ हो जिसमें हैज बीन प्लेइंग, हैज हैव के साथ, हैज हैव के साथ बीन आ रहा हो और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी आ रहा हो, तो वो आप देखते साथ आपको समझ जाना चाहिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. इसी तरह से उर्दू में अगर कोई ऐसा है जुमला जिसमें ये हो रहा है कि वो काम होता रहा है, वो काम अभी तक होता रहा है, इस बात का वो मफहूम बयान कर रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तहत उसका तर्जमा होगा, उसकी ट्रांसलेशन होगी. उर्दू में आपको उसका मफहूम समझना है कि बात करने का मफहूम क्या है, तो उसमें ऐसी बात की जा रही है कि काम होता रहा है, अभी तक होता रहा है या शुरू होकर अभी तक वो हो रहा है. इसको मजीद डिटेल में जाते हैं, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से होगी इसकी डेफिनेशन. इसके डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह से है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, रेफर्स टू एक्शंस दैट बिगेन एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड हैव कंटिन्यूड फॉर सम टाइम अंटिल नाउ और आर स्टिल हैपनिंग. यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव ऐसे कामों को जाहिर करता है जो माजी में किसी वक्त शुरू हुए
और हाल तक कुछ अरसा मुसलसल होते रहे या अब भी हो रहे हैं, या तो होते रहे या अब भी हो रहे हैं। ये प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। पास्ट से काम शुरू हुआ और प्रेजेंट तक अभी तक होता रहा है या अभी तक हो रहा है। अभी तक होता रहा है कि सूरत में इसका यह मतलब होगा कि अभी सिर्फ बात करने के, अभी जब मैं बात कर रही हूँ, जब इस उस काम के बारे में बात की जा रही है, उस वक्त तक वो होता रहा है या फिर उस वक्त भी हो रहा है। तो ये पास्ट को प्रेजेंट से करेक्ट करता है और पास्ट में जो काम शुरू हुआ वो या तो अभी तक जारी है या बात करने के टाइम तक वो जारी था, ठीक है। जिन कामों का मफहूम ये बनता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव में आते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल या प्रोग्रेसिव में फर्क क्या है, इसका आप फर्क समझिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, अब एक काम होता है कि कर चुका, हो चुका है, वो मुकम्मल हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, जो सिंपल खाली प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वो ऐसे कामों को जाहिर करता है जो कि काम मुकम्मल हो चुका है, उसमें अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। आई हैव कुक्ड डिनर, यानी मैं रात का खाना पका चुकी हूँ, अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया, उस खाने के काम में कुछ भी बाकी नहीं रह गया। और अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव बिन कुकिंग डिनर, तो मैं रात का खाना पकाती रही हूँ और अभी तक भी उसका अमल जारी हो सकता है। ये जाहिर नहीं कर रहा कि मैं खाना पका के ख़त्म कर चुकी हूँ, बल्कि वो काम अभी भी हो सकता है कि हो रहा हो, ठीक है। इसी तरह से ही हैज रिटन अ बुक, वो एक बुक लिख चुका है, वो एक किताब लिख चुका है, यानी वो लिख के खत्म कर चुका है, किताब लिखने का काम, किताब लिखने का काम खत्म कर चुका है। और अगर ये कहा जाए कि ही हैज बीन राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिखता रहा है, तो उसका मतलब है कि वो अभी तक भी हो सकता है कि लिखता, वो अभी तक भी लिख रहा है, वो लिखता रहा है, अभी तक लिखता रहा है। और इसका ये, इससे ये आपको नहीं पता चल रहा कि आया वो किताब मुकम्मल हो गई है या नहीं हो गई है, लेकिन परफेक्ट में, सिंपल परफेक्ट में पता चल रहा है कि वो काम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। लेकिन परफेक्ट प्रोग्रेसिव में या कंटिन्यूस में ये जाहिर नहीं हो रहा है कि वो काम हो चुका है मुकम्मल या नहीं, बल्कि ये है कि वो होता रहा है और अभी तक भी हो रहा होगा। इसी तरह से ही हैज रिटन 5 letters टुडे, उसने आज 5 खत लिखे हैं, यानी उसने आज कितना काम किया है। परफेक्ट सिंपल जो है वो ये बताता है कि कितना काम किया है। और इस तरह से ही हैज बीन राइटिंग लेटर्स ऑल डे, वो पूरा दिन खत लिखता रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो खत मुकम्मल भी हो गया है या नहीं। ये सिर्फ ये बता रहा है प्रोग्रेसिव कि वो सारा दिन खत लिखता रहा है। अब खत लिखा जा चुका है, मुकम्मल लिखा जा चुका है, नहीं लिखा जा चुका है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ही हैज रिटन 5 letters टूडे, आज उसने 5 खत लिखे हैं, यानी वो बता रहा है कि आज कितने काम किया है उसने और वो काम कितनी बार किया और मुकम्मल भी है। ही हैज ऑलवेज वर्कड हार्ड, ठीक है ना, ही हैज ऑलवेज वर्कड हार्ड। इसका ये मतलब है कि एक काम मुकम्मल एक लंबे अरसे तक जारी रहा, जो काम मुकम्मल एक लंबे अरसे तक जारी रहता है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल यूज किया जाता है, और अगर एक काम थोड़े अरसे के लिए रहा उसके लिए ही हैज बीन वर्किंग हार्ड 3 days, अभी हालिया में थोड़े अरसे के लिए बस जो काम हो रहा हो वो मेहनती तो नहीं है, लेकिन आजकल वो मेहनती मेहनत से काम करता रहा, उसके लिए प्रोग्रेसिव होगा। और अगर यह कहा जाए कि उसने हमेशा बहुत मेहनत की है, तो उसके लिए सिंपल परफेक्ट यूज किया जाएगा, ही हैज ऑलवेज वर्कड हार्ड, ठीक है। क्या मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, आपको समझ आ रही है? सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कौन से काम हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के
और कौन से परफेक्ट में, सिंपल परफेक्ट में करने हैं। जी, तो इसी तरह से एक काम होता है, he has been living here for 3 days, वो 3 वर्ष से यहाँ रह रहा है। तो यहाँ पे आपको एक याद रखनी है चीज के, जब टाइम, यहाँ पे अब टाइम दिया गया है 3 days का, जब वक्त बताया गया हो काम करने के साथ, उस काम करने का कि कितने टाइम तक वो, कितने वक्त तक वो काम होता रहा, उसके साथ आपने सिंपल कंटिन्यूस कभी नहीं करना, ठीक है। उस काम का जो ट्रांसलेशन होगी, उस काम को आप हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं, सिंपल कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते। प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं किया जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया जाता है, जिसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो, ठीक है। इस तरह से नहीं आप कह सकते ही इज लिविंग हेयर फॉर 3 डेज, इस तरह से नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले ऐसे मफहूम को जाहिर करते हैं कि जो माजी के वक्त, किसी वक्त से लेकर बात करने के वक्त तक वो काम होता रहा और वो मुकम्मल हो गया। लेकिन परफेक्ट प्रोग्रेसिव में इस बात पे जोर होता है कि वो काम अभी तक मुसलसल होता रहा है या कुछ अरसे पहले ही वो काम खत्म हुआ है, मुसलसल होता रहा है या अभी तक हो रहा है या अभी बस बात करने के वक्त से थोड़े पहले वो काम हो गया, और इसी तरह से वो मुसलसल होता रहा और कितनी बार हो चुका वो काम, कितनी बार हुआ, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है जाहिर, लेकिन परफेक्ट प्रोग्रेसिव में सिर्फ इतना पता चला, इस बात पर जोर दिया गया कि कितना अरसा होता रहा, यानी ऑल डे, वो सारा दिन लेटर्स लिखता रहा, वो कितना अरसा होता रहा, और परफेक्ट में हुआ कि उसने इतनी दफा काम कर लिया, ठीक है। और फिर ये आपने चीज ध्यान में रखनी है, और फिर अगर कोई लंबे अरसे तक मफहूम हो, लंबे अरसे तक कोई काम होता रहा, तो उसके लिए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, और अगर वो थोड़े अरसे के लिए ही सिर्फ वो काम होता रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और उसी तरह से अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के तहत वो बात कही जाएगी, ना के सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तहत। He is living here for 3 days नहीं होगा, He has been living here for 3 days होगा। अच्छा, अब when to use present perfect simple और progressive? आपने कब present perfect करना है और कब progressive करना है? तो इसमें वही वाला रूल है, कौन सा वाला? अब ये मैं आपको सामने आपके एग्जांपल्स सिर्फ दूंगी, और बताना आपने है कि क्यों ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में नहीं आपने यूज करने और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में करना है। इस बात को आपने ऐसे नहीं कहना, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में नहीं कहना बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में कहना है। ये आप बताइए, ये सेंटेंसेस, आई हैव बीन नोइंग अहमद फॉर 2 years, आपने इसको ऐसे नहीं कहना बल्कि ऐसे कहना है, आई हैव नोन अहमद फॉर 2 years। इसी तरह से he has been liking this book all his life, इसको ऐसे नहीं कहना बल्कि he has liked this book all his life। इसी तरह से all students, the student have not been understanding this lecture, बल्कि इसको आपने ऐसे कहना है, the student have not understood the lecture। वजह बताइए, वजह आप मुझे बताएंगे कि क्यों present perfect progressive में इसके साथ क्रॉस है और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में इसके साथ टिक है। आपने इनको ऐसे कहना है, ऐसे नहीं कहना, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज नहीं करना बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल यूज करना है। वजह, रीजन आप मुझे बताइए। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा, मखसूस वक्त मेंशन है इस वजह से नहीं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में
भी इस बात का जिक्र किया गया। इसके वर्ब पे ध्यान दीजिए, वर्ब पे, एक्शन वर्ड यानी वर्ब जो है, मैं आपको हिंट दे रही हूं, नहीं परफेक्ट में वर्क हो चुका है इसलिए नहीं। असद अली कह रहे हैं कि नहीं, सिंपल परफेक्ट में काम हो चुका है। असद अली कह रहे हैं मखसूस वक्त मेंशन्ड है इसलिए नहीं, ऐसा भी नहीं है। जल्दी से इसके रीजन बताइए, तब तक मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पे फेसबुक ग्रुप पे जाके आप पोस्ट कर सकते हैं, ये ज्वाइन कीजिए, इस पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, यहाँ से नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होती रहेंगी न्यू कोर्सेज की, जारी कोर्सेज की, लेक्चर का लिंक आपको यहाँ से मिलता है, और अगर आपसे मिस हो गया तो आपको यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद जीए से आपको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इंटरनेट से। अब आपको आंसर मैं बताती हूँ, हम अपने आंसर की तरफ जाते हैं, ठीक है। किसी को नहीं आया याद, चले। इसका क्वेश्चन भी था जो लास्ट असाइनमेंट थी, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी इसी से रिलेटेड था। मैंने आपको हिंट भी दिया कि वर्ब को देखिए, ऐसा काम जो अभी भी हो रहा है, रुका नहीं है इस वजह से, आई थिंक। चले मैं बताती हूं आपको, वर्ब पे ध्यान दीजिए। इनका जो ट्रांसलेशन होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के तहत ही होगी, लेकिन क्यों हमने इसको यहाँ पे नोइंग नहीं लिखा, लाइकिंग नहीं लिखा, अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखा, नोन लिखा है, लाइक लिखा है, अंडरस्टूड लिखा है, क्योंकि ये स्टैटिव वर्ब्स हैं, डायनामिक वर्ब्स नहीं है। डायनामिक वर्ब्स कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में नहीं होंगे, क्योंकि स्टैटिव वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ठीक है, डायनामिक फॉर्म, डायनामिक वर्ब्स की बनती है जी। डायनामिक वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म बनती है, स्टैटिव वर्ब्स की नहीं होती है, तो इसलिए जहां पे स्टैटिव वर्ब होगा वहां पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जैसा कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो रूल था वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में है, ट्रांसलेशन वो बात उसी मफहूम में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के मफहूम में उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में जब आप उसके ट्रांसलेशन करोगे तो वो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पे आएगी, ठीक है। आई हैव नोन अहमद फॉर 2 years, मैं 2 साल से अहमद को जानता हूँ या जानता रहा हूँ। ही हैज बीन लाइकिंग दिस बुक ऑल हिज लाइफ, वो अब सारी जिंदगी इस किताब को पसंद करता रहा है। ही हैज लाइक्ड दिस बुक ऑल हिज लाइफ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये स्टैटिव वर्ब है लाइक, और द स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड द लेक्चर, स्टूडेंट्स को, तालिबे इल्मों को इस लेक्चर की समझ नहीं आई है या ना नहीं आई। तो डायनामिक और स्टैटिव वर्ब्स का इसमें है, तो डायनामिक और स्टैटिव वर्ब के बारे में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट के लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर किसी ने मिस कर दिया तो आप वो लेक्चर वापस जाके सुन लें, आपको मजीद इसके एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो अच्छा, क्लियर। अब हम जाते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, आप इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे। तो
ये आपके सामने चार्ट ओपन हो गया, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव चार तरह के जुमले होते हैं आपके, मस्बत, मनफी, सवालिया और मनफी सवालिया जुमले। मस्बत जुमले जिसमें सीधी सीधी बात बताई जा रही है, मैं उसमें किसी चीज की नफी या उसका सवाल नहीं किया जा रहा। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूँ। वी हैव बीन वर्किंग, हम काम करते रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग, तुम काम करते रहे हो। ही हैज बीन वर्किंग, वो काम करता रहा है। शी हैज बीन वर्किंग, वो काम करती रही है। इट हैज बीन वर्किंग, ये काम करता रहा है। दे हैव बीन वर्किंग, वो काम करते रहे हैं। यहाँ आप वर्क कीजिए आई वी यू दे के साथ, फर्स्ट सेकेंड पर्सन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ आपका हैव बीन आया है, और हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी आई है, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगल सिंगल नाउन के साथ आपका हैज बीन आया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। यू के साथ हैव आया है, ठीक है ना। इसी तरह से नेगेटिव में हैव बीन के दरमियान में नोट आ गया। आई हैव नॉट बीन वर्किंग, मैं काम नहीं करता रहा हूँ, नफी हो रही है। आई हैव नॉट बीन वर्किंग, वी हैव नॉट बीन वर्किंग, यू हैव नॉट बीन वर्किंग, ही हैज नॉट बीन वर्किंग, शी हैज नॉट बीन वर्किंग, इट हैज नॉट बीन वर्किंग, दे हैव नॉट बीन वर्किंग। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सवालिया जुमले में हैव आपका आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बीन। हैव बीन के दरमियान में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। हैव आई बीन वर्किंग, क्या मैं काम करता रहा हूँ, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो आपका ये जो मार्क्स होते हैं ये आपको ये भी बताते हैं कि आपने जब वो बात बोलनी है तो आपकी अदायगी किस तरह से होनी चाहिए। यानी जो सवालिया जुमला होता है वो आप अफर्मेटिव जुमले की तरह ही, मस्बत जुमले की तरह नहीं बोलते हो। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूँ, ये जब आप बोलोगे क्या मैं काम करता रहा हूँ, तो इसमें आप टोन आपकी सवालिया होनी चाहिए जब आप उस चीज को, तो जो हमारे जो ये मार्क्स होते हैं ये हमें ये भी बताते हैं कि हमने टोन अपनी कैसी रखनी है। क्या मैं काम करता रहा हूँ, सवालिया, आपकी टोन भी सवालिया हो गई। हैव आई बीन वर्किंग, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा हैव आई बीन वर्किंग, ऐसे नहीं होगा। हैव आई बीन वर्किंग, Have we been working? Have you been working? Has been के बीच में आपका he आ गया। Has he been working? Has she been working? Has it been working? Have they been working? Have been के दरमियान में आपका they आ गया, आपका subject have been, has been के दरमियान में आ गया, और ये आपका interrogative sentence हो गया। इस तरह से negative interrogative मनफी सवालिया जुमला, क्या मैं काम नहीं करता रहा हूँ, Have I not been working? आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म जो है वो ज्वाइन हो गई, और have आपका सेंटेंस के स्टार्ट में चला गया, फिक्रे के शुरू में चला गया, और not been जो ये वाला not been था, have not been जो है इसका, इसके दरमियान आपका सब्जेक्ट आ गया और फर्स्ट वर्ब के साथ आई एन जी। Have I not been working with question mark? Have we not been working? Have you not been working? Has he not been working? Has she not been working? Has it not been working? Have they not been working? तो ये हमारे कुछ इस तरह से sentences होंगे, जुमले होंगे। अब नोट कर लीजिए, आपके पास जरूर आपकी पेपर पेंसिल होगा, नोटबुक होगी आपके पास, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कुछ इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ आपका हैज बीन आएगा, आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ जमा जो होंगे, इस जमा सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ आपका हैव बीन आएगा। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में
सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर उसके साथ हैज या हैव होगा, सिंगल होगा तो हैज होगा, प्लूरल होगा तो हैव होगा, या सेकंड पर्सन होगा आई यू वी दे के साथ. हैज हैव हो गया, फिर बीन हो गया, फिर नोट आएगा एंड प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म विद क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, नोट कर लीजिए. अब हमारी इसकी कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स कुछ इस तरह से होंगी. शॉर्ट फॉर्म्स जो कि इनफॉर्मल यूज के लिए होती हैं, फॉर्मल यूज के लिए नहीं. फॉर्मल यूज में आप मुकम्मल लिखते हो, आई हैव बीन ही लिखते हो, लेकिन इनफॉर्मल यूज में और बोलने में आई हैव बीन लिखते हो. आपका हैव जो है वो हैव शॉर्ट होकर एच ए कटकर शॉर्ट होकर आईव हो जाता है, आईव बीन. वीव बीन, यूव बीन, देव बीन, ही इज बीन, शी इज बीन, इट्स बीन. नेगेटिव में दो सूरतें हैं, आईव नॉट बीन भी हो जाएगा और आई हैवंट बीन भी हो जाएगा. इसी तरह से we've not been या we haven't been या you've not been, you haven't been, they've not been working, they haven't been working, he has not been भी इसी तरह से या तो he is not been हो जाएगा या he hasn't been, she is not been, she hasn't been, it's not been working, it hasn't been working. नेगेटिव इंट्रोगेटिव में haven't I been, haven't we been, haven't you been, haven't they been, hasn't he been, hasn't she been, hasn't it been. ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन देना है या इनफॉर्मली आपने बात करनी है तो आप इस तरह से आप इसको यूज करते हो. क्लियर? अब यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज कर लें सेंटेंस स्ट्रक्चर की. जल्दी से कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वरना मजीद आपको पता चल जाएगा, अपनी समझ का भी पता चल जाएगा, आपको समझ कितनी आई है कितनी नहीं आई है इस एक्सरसाइज से. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. द टेलीफोन ब्लैंक for ages, why don't you answer it? Is ringing, has rung, has been ringing. Choose the correct option. The telephone for ages, the telephone has been ringing. Bilkul theek, third option, has been ringing. Two men blank to see you for the last hour. Has been waiting, have been waiting, have waited. Two have been waiting. Bilkul theek. Two men have been waiting. Bilkul theek. Asad Ali Binte Tariq, I Ibi Khan. Very quick and correct. Okay, he blank to this part of Asia. Have never been, have, has never been, are never been. M. Yasir Jabir, Jabir or has never been. ठीक है, बिल्कुल सही. Binte Tariq, आपका भी second. Yes, the second one. I blank such a mess in my life. Has never seen, have never seen, never saw. I blank such a mess in my life.
आई हैव नेवर सीन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सबका। रमजान अली बिनते तारे के भी खान, बिल्कुल ठीक सबका ठीक है। आई हैव नेवर सीन। आई ब्लैंक फ्रेंच फॉर 3 years बट आई कांट स्पीक इट येट। आई स्टडीड, आई हैव स्टडीड, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग। I have been studying, बिल्कुल ठीक। थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल ठीक रमजान अली बिनते तारिक, ए बी खान, बिल्कुल ठीक। ओके, तो यहाँ तक हमारा इसकी ये एक एक्सरसाइज हो गई। अब मैं आज आपसे थोड़ी सी एक और एक्सरसाइज भी, ट्रांसलेशन की भी एक्सरसाइज हम कर मैं करवाना चाहूँगी, उस पर भी आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। अब आपके सामने उर्दू के फिक्रे हैं, उर्दू का एक सेंटेंस है, 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो इसकी आप ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में तर्जमा करें तो कैसे करेंगे, जल्दी से कीजिए। 2 घंटों से बारिश हो रही है, बात बोली जा रही है, 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्विक क्विक क्विक, 2 घंटों से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल ठीक। और इसका मफहूम और साथ में क्या है कि अब भी जारी है, ठीक है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो उसका मतलब है कि वो अब भी जारी है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इट हैज बीन रेनिंग। अब नेक्स्ट कीजिए, वो एक इश्तिहारी कंपनी के लिए काम करती रही है। अगला कीजिए, वो एक इश्तिहारी कंपनी के लिए काम करती रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि उसके साथ वक्त का वक्त है, तो बारिश हो रही है, अकेला बारिश हो रही है होता तो इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग, लेकिन इसके साथ टाइम है, वक्त है, 2 घंटों से हो रही है, तो इसलिए हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तहत हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, और ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट continuous verb, ठीक है। It has been raining। अच्छा, अगला कीजिए, she has been working with advertising company, वो एक इश्तिहारी कंपनी के लिए काम करती रही है। असद अली, it has been raining for 2 hours। अच्छा, असद अली ने कर दिया, she has been working with advertising company, she has been working for an advertising company, ठीक है। She has been working for an advertising company, बिल्कुल ठीक। के लिए है ना, तो के लिए for होगा। बिनते तारिक का भी बिल्कुल ठीक है, she has been working for। अच्छा, अब यहाँ पे आप ए बी खान, फॉर आ एडवर्टाइजिंग कंपनी और विद एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग के साथ आपका एन आएगा, ठीक है। शी हैज बीन वर्किंग फॉर एन एड एजेंसी या फिर एड कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब अगला कीजिए जल्दी से, पानी की कमी शदीद होती जा रही है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी हैज बीन वर्किंग फॉर एन एड एजेंसी। पानी की कमी शदीद होती जा रही है,
इट हैज बीन सीवियर वाटर शॉर्टेज. ठीक है. जी, द वॉटर शॉर्टेज हैज बीन बिकमिंग एक्यूट. शदीद, एक्यूट होती जा रही है. बिकमिंग द वॉटर शॉर्टेज, पानी की कमी. पानी की कमी हमारा सब्जेक्ट है. द वॉटर शॉर्टेज हैज बीन बिकमिंग. तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. हैज बीन बिकमिंग, होती जा रही है. पहले सब्जेक्ट आएगा, होती जा रही है, फिर हमारा हैज बीन बिकमिंग वर्ब आएगा, और शदीद एक्यूट एंड में, हमारा ऑब्जेक्ट हमारा एंड में एक्यूट. अब अगला कीजिए. वो 2 सालों से पंजाब यूनिवर्सिटी में तारीख पढ़ रहा है. ये नोट कीजिए. इसके साथ आपके वोकैबुलरी में आपको असाइनमेंट्स में भी जो देती हूँ उसमें कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स ऐसे रखती हूँ जो आपके लिए नए हों, ताकि आपको कुछ नए अल्फाज सीखने को मिले और आपके वोकैबुलरी भी उसके साथ बने. तो वो 2 सालों से पंजाब यूनिवर्सिटी में तारीख पढ़ रहा है. He has been studying history for 2 years in Punjab University. बिल्कुल ठीक. He has been studying history in Punjab University for 2 years. ये थोड़ा सा कटा हुआ लगेगा, क्योंकि अगर आप एंड में इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड में लेकर जाओगे तो वो कटा हुआ लगेगा. ठीक है, तो ज्यादा जो सीक्वेंस इसका ठीक है वो ये है, ही हैज बीन स्टडिंग हिस्ट्री इन पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर 2 years. अब ये लास्ट वाला कीजिए, सबसे आसान है. वो सारा दिन खत लिखता रहा है. ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वो सारा दिन खत लिख रहा है. ही हैज बीन राइटिंग लेटर ऑल डे. बिल्कुल ठीक. इन ऑल डे नहीं होगा, ही हैज बीन राइटिंग लेटर ऑल डे. ही हैज बीन राइटिंग लेटर ऑल डे. All day होगा. He has been writing letter. He has been writing letter for all day नहीं, all day. सिर्फ all day.
अच्छा अगर यहाँ पे हो के उसने आज 5 खत लिखे हैं तो उसको कैसे कहेंगे? उसने आज 5 खत लिखे हैं। ही हैज रिटन लेटर्स, ही हैज रिटन 5 लेटर्स टूडे। बिल्कुल, वो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के तहत होगा। इससे ये है कि वो सारा दिन खत लिखता रहा है, वो काम करता रहा है, सारा दिन करता रहा है, मुसलसल करता रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना हो गया, अभी कर चुका है, खत्म हो गया काम या अभी हो रहा है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट उसने खत लिखे हैं, तो ओके, सो क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। चले, नो कंफ्यूजन। चले तो अब हम जाते हैं इसके यूजेस की तरफ। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया, अब हम करेंगे कि इसको व्हेन टू यूज। ठीक है, When to use? Started, continuous. We have been working on this project for 6 months. हम 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब है हम कर रहे हैं, हम 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उर्दू में जब हम बोलेंगे तो इसका बात कैसे बोलेंगे? हम 6 महीने से इस मंसूबे पे काम कर रहे हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे तो वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स। अब ये मफहूम बयान कर रही है कि वो 6 महीने से काम हो रहा है, मुसलसल 6 महीने से वो काम लगातार हो रहा है और अभी भी हो रहा है। ठीक है ना, हम अभी भी कर रहे हैं उस पे काम, मुकम्मल नहीं हो गया, अभी भी हो रहा है, कंटिन्यूअस। ठीक है ना, स्टार्टेड माजी में शुरू हुआ, ठीक है, किसी पॉइंट पे माजी में शुरू हुआ 6 महीने से, तो 6 महीने से लगातार है, मुसलसल हो रहा है और अभी भी हो रहा है, अभी भी कंटिन्यूड है। ठीक है ना, अभी भी जारी है। इसी तरह से सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, समंदर के लेवल, समंदरी सतह बढ़ रही है। सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग। अब ये जो सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग या इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जब आप ऐसे वगैरह लिखते हो और उसमें आपको जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे आ गया या किसी ऐसे सब्जेक्ट पे, तो जब आप उसको इस तरह से बात लिखते हो, सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, अभी भी वो बढ़ रहा है। ठीक है, समुद्र की सतह बुलंद हो रही है। ठीक है, तो अगर आप उसको सी लेवल इज राइजिंग की बजाय, सी लेवल्स आर राइजिंग की बजाय, अगर आप बात को इस तरह से लिखोगे, सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, वो बढ़ रहे हैं, पास्ट से किसी टाइम से बढ़ना शुरू हुए हैं और अभी तक बढ़ रहे हैं, अभी तक वो सी लेवल जो है वो उसकी ऊंचाई पे जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आपको एडवांस्ड लेवल के आपको टेंस आपको समझ है उसकी, और ये बात एक मेच्योर लेवल में आप कर रहे हो।
ठीक है ना, मेच्योर वे में आप कर रहे हो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हुए लिखते हो। तो इसलिए जब आप अगर आप जुमले या बात इस तरह से कहोगे तो अच्छा राइटिंग आपकी बेहतर होती है और उसका इम्प्रेशन भी अच्छा होता है। तो सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, समंदर की सतह बढ़ रही है। स्टार्टेड फिनिश्ड, स्टार्ट हुआ माजी में, शुरू हुआ कभी, और जब अभी बात की जा रही है उससे बस थोड़ी ही देर पहले वो खत्म हुआ है, जैसे उसी लम्हे खत्म हुआ है काम। ये नहीं कि बहुत लंबे, क्योंकि प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ज्यादा दूर की बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है। जैसे आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, यानी आप एक कॉल का वेट कर रहे हो, अपने फ्रेंड के कॉल का या किसी के कॉल का वेट कर रहे हो और उसकी कॉल आ गई है, तो आप उसको बता रहे हो कि मैं घंटों से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था, कर रहा था नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं करता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जब उर्दू में आप कहोगे कि इसका कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूस है, स्टार्टेड कंटिन्यूस है या स्टार्टेड फिनिश्ड है, तो इंग्लिश में तो ऐसे हो गया, उर्दू में कैसे फर्क पता चलेगा? तो उसमें करता रहा है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करता रहा हूँ, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें था वी हैव बीन वर्किंग, हम 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 6 महीने से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे है मैं घंटों से तुम्हारी कॉल का इंतजार करता रहा हूँ या घंटों से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, मैं तुम्हें काफी घंटों से कॉल करता रहा हूँ। इसी तरह से वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, अभी अभी वो इंसान पहुंचा है, कहीं पे पहुंचना था, अभी वो इंसान पहुंचा है और आप उसको बता रहे हो कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार करते रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, करते रहे हैं काफी टाइम से, कर रहे थे 10 मिनट से, कर रहे थे 10 घंटे से, कर रहे थे, और अभी जब वो इंसान पहुंचा है उसी लम्हे वो काम खत्म हुआ है। जब हम वो बात कर रहे हैं उस बात करने के लम्हे ही वो काम खत्म हुआ, उस वक्त तक वो मुसलसल हो रहा था, तो इसलिए हम तुम्हारा इंतजार करते रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, स्टार्टेड फिनिश्ड, फिनिश हो गया, लेकिन फिनिश हुए कोई लंबा अरसा नहीं गुजरा, जब बात की जा रही है उसी लम्हे फिनिश हुआ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट के साथ ही उसका ताल्लुक है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके आप कॉमन एक्सप्रेशंस इस तरह से यूज, इट हैज बीन सीइंग, वैसे तो ये इस तरह से बात नहीं की जाती क्योंकि सीइंग है, इट हैज बीन सीइंग अबाउट द डिनर, वो डिनर का इंतजाम करता रहा है, और ही हैज बीन हैविंग अ टूथ आउट, उस वो दांत निकलवाता रहा है। आई हैव बीन थिंकिंग इट ओवर, मैं इस पर सोच विचार करता रहा हूँ। आई हैव बीन हियरिंग All about his marriage, मैं उसकी शादी के बारे में काफ़ी सुनता रहा हूँ। अब ये जो verbs हैं seeing, having, thinking, hearing, ये stative हैं, ये dynamic नहीं है, लेकिन इस सूरत में ये हो सकते हैं इस्तेमाल, इन खास सूरतों में, ये जो 4 सूरतें बताई हैं। वो इंतज़ाम करता रहा, इंतज़ाम कर रहा है ना, देखने में, यहाँ पे seeing जो है वो इंतजाम करने के बारे में आ रहा है, के मफहूम में आ रहा है, ना कि देखने के मफहूम में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सीइंग यूज हो गया इंतजाम करने के माने में, वो डिनर का इंतजाम करता रहा है। ही हैज बीन हैविंग अ टूथ आउट, ये यहाँ पे मलकियत यहाँ शो नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा काम जो कि होता रहा है, वो दांत निकलवाता रहा है। आई हैव बीन थिंकिंग इट ओवर, यहाँ पे सोच विचार का काम हो रहा है, उस वक्त वो सोच रहे हैं, मैं सोच विचार करता रहा हूँ। आई हैव बीन हियरिंग ऑल अबाउट हिज मैरिज, मैं उसके शादी के बारे में काफी सुनता रहा हूँ, यानी उसकी मुझे काफी खबरें मिलती रही हैं। ये नहीं है कि वो सुनने का काम, वो जो लिटरल एक सुनने का काम है, अगर उन मीनिंग्स में हो, सुनने के काम में जो कान से अभी सुनाई दे जा रही है, आवाज कान में जा रही है, वो वाला हियरिंग हो, तो उसमें आईएनजी उसके साथ नहीं आएगा। मैं मजीद आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी आगे जब हमारा कंटिन्यूस जो टेंस आएगा, जो कि अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, उसमें मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करूंगी
कि स्टेटिव और कौन से स्टेटिव वर्ब्स होते हैं और कौन से डायनामिक वर्ब्स होते हैं, यानी वर्ब्स उनके वर्ड्स के साथ, सिर्फ डेफिनेशन के साथ नहीं, वर्ड्स भी आपको बताऊंगी कि ये वाले इन मफ़हूम में यूज हों इस सिचुएशन में, तो वो स्टेटिव होंगे। तो इन खास सूरतों में, इन चार जुमलों में, खास तौर पे इन सूरतों में जहाँ पे सीइंग का मतलब देखना नहीं बल्कि इंतजाम करना है, हैविंग का मतलब है मलकियत नहीं बल्कि कोई काम होता रहा है, थिंकिंग का मतलब ख्याल नहीं है बल्कि सोच विचार करना है, और हेयरिंग का मतलब खबरें आती रही हैं का मतलब है इसमें, ना के सुनने का। इस तरह से इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल डे, यहाँ पे ऑल डे होगा तो यहाँ पे कुछ होने, ये ऑल डे हमारा एक्सप्रेशन है, कॉमन एक्सप्रेशन है इसके साथ, सारा दिन बारिश होती रही है, सारा दिन से बारिश होती रही है, नहीं पूरा दिन से बारिश होती रही है नहीं होता है, ठीक सारा दिन बारिश होती रही या पूरा दिन बारिश होती रही, तो ऑल डे होगा, उसके साथ फॉर वगैरह नहीं आएगा, खाली ऑल डे होगा और ऑल डे हमारा एक्सप्रेशन है। इस तरह से ही हैज बिन एक्सरसाइजिंग, शी हैज बिन एक्सरसाइजिंग अ लॉट रिसेंटली, लेटली, अभी हाल ही में कुछ काम होता रहा, हाल ही तक, माजी से लेके हाल तक, रिसेंटली या लेटली कोई काम ऐसा होता रहा जो बस बात करने तक वो काम होता रहा, पास्ट से लेकर अभी तक वो काम होता रहा, तो उसके लिए हम उसके साथ रिसेंटली या लेटली का वर्ड यूज कर सकते हैं। इस तरह से थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉवल, आई हैव बीन वांटिंग इट फॉर एजेस, किसी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए, यह मैं चाहता रहा हूँ, चाहत का, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए, उसके साथ हम वांटिंग का लफ्ज इस टेंस के साथ हम यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल जहाँ पे आपने ख्वाहिश का इजहार करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉवल, आई हैव बीन, मैं इंतजार करता रहा हूँ, मैं इसका काफी देर से, मुझे इसका मुद्दतों से, मुझे इसकी चाह थी, मुझे इसका इंतजार था। इस तरह से आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years और आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5, ये फॉर और सिंस इसके साथ होने वाले कॉमन एक्सप्रेशन है, हम यूज करते हैं, फॉर और सिंस का आपको इस्तेमाल पता भी है, फॉर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम और सिंस फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। 3 घंटे से पढ़ा है और आई हैव बीन स्टडिंग सिंस, ये 5 बजे से पढ़ा हूँ, 3 hours, पीरियड ऑफ टाइम दुरानिया है, कोई खास पॉइंट ऑफ टाइम मैंशन नहीं है, और 5 पॉइंट ऑफ टाइम मैंशन है, तो उसके साथ सिंस है। मजीद सिंस और फॉर को मैं आपको बता दूँ कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, अब पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। अब पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, फॉर 10 minutes है तो पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ फॉर आएगा, फॉर 2 hours पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर मैनी आवर्स, फॉर 3 days, फॉर 7 weeks, फॉर 4 months, फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट मंथ, फॉर 10 years, फॉर 2 centuries, 2 सदियों से, ठीक है, 10 मिनट से, 2 घंटे से, काफी घंटों से, 3 दिन से, 7 दिन से, 4 महीने से, 4 महीने, 7 महीने, 5 महीने, इस तरह से जब आप मजमू तौर पर एक बात कर रहे हैं, फॉर द लास्ट वीक, गुज़िश्ता हफ्ते से, गुज़िश्ता महीने से, या गुज़िश्ता साल से, या इस तरह से 10 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से, फॉर 10 years, या फॉर 2 centuries, 2 सदियों से, 3 सदियों से, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है और इसके साथ फॉर आता है। इसी तरह से सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास नुक्ता वक्त का, सिंस 7 o'clock, यहाँ पे फॉर 10 minutes था, 10 minutes कौन से 10 minutes, लेकिन 7 o'clock एक टाइम बता दिया गया है, 7 o'clock, 8 o'clock, 2 o'clock वगैरह वगैरह। इस तरह से सिंस मॉर्निंग, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस इवनिंग, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मंडे, दिन है, खास दिन बताया जा रहा है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस फ्राइडे, since last week और since January, since last month, since 1999, since Eid, since last year, since last century, ठीक है।
अब ये वो वाला साल है जिसके साथ सिंस आया है। सिंस लास्ट ईयर। अब यहाँ पे जो है फॉर द लास्ट वीक, अब यहाँ पे आप नोट कीजिए, जहां पे यहाँ पे लास्ट वीक आया तो फॉर के साथ द आया, फॉर द लास्ट मंथ, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो ना तो इसका मतलब है द लास्ट वीक गुज़श्ता 7 दिनों से, ठीक है, और इसका मतलब है गुज़श्ता 30 दिनों से। लेकिन यहाँ पे जब सिंस लास्ट वीक आया, सिंस के साथ द नहीं आया है, सिंस लास्ट वीक गुज़श्ता हफ्ते से, या सिंस लास्ट मंथ इसके साथ द नहीं आया, तो उसका मतलब है सिंस लास्ट मंथ यानी जो अभी पिछला महीना गुजरा है, यानी अभी अभी आपका सितंबर है तो अगस्त की बात हो रही है, तो अगस्त पूरे अगस्त की बात हो रही है, महीने की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है पिछले 30 दिनों में। अब 30 दिनों में से कोई सा भी दिन हो सकता है, तो फॉर द लास्ट मंथ होगा, फॉर के साथ आएगा लास्ट मंथ तो उसके साथ द लगेगा, द लास्ट वीक होगा, और अगर सिंस के साथ लगेगा तो उसके साथ लास्ट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एजेस, फॉर सेवरल आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, आवर्स, सिंस 12 अप्रैल, सिंस लंच टाइम, सिंस ही वॉज बोर्न, पॉइंट ऑफ टाइम है जब वो पैदा हुआ था, ठीक है, उसके पैदाइश के वक्त से, वो पैदाइश का वक्त एक खास पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस वी अराइव्ड जब हम पहुंचे वो एक खास पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, सिंस वी अराइव्ड, ठीक है। इस तरह से हाउ लॉन्ग, कितने अरसे से, सिंस वेन, कब से, किस वक्त से, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जब एक सवाल किया जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तो उसका मतलब होगा कि आपने वक्त के दौरानिया में उसका जवाब देना है, हाउ लॉन्ग, कितने अरसे से, कितने अरसे का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम पूछा जा रहा है, दौरानिया पूछा जा रहा है, उसका फॉर 10, यानी आप पूछो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 मिनट्स। इसी तरह से अगर सिंस वेन कहा जाएगा तो सिंस वेन का मतलब होगा, अगर सवाल किया जाए सिंस वेन, उसमें कब से और किस वक्त से का मफहूम होगा, और उसका जवाब भी आप सिंस में दोगे, सिंस वेन हैव यू बीन वेटिंग, तो इसका जवाब आप फॉर 10 मिनट्स नहीं दोगे, सिंस वेन होगा, तो हैव यू बीन वेटिंग, तो उसका आप सिंस मॉर्निंग या सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर और सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम भी बता दिया, ये पॉइंट ऑफ टाइम्स होते हैं और ये पीरियड ऑफ टाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, क्लियर हो गया है आपको। क्लियर हो गया, इसकी एक्सरसाइज कर लें। चलें, एग्जांपल, द इंडस्ट्री हैज बीन इन डिके ब्लैंक सम टाइम, द इंडस्ट्री हैज बीन इन डिके सम टाइम। अब ये सम टाइम जो है वो है, अच्छा, फॉर द लास्ट वीक एंड सिंस लास्ट वीक, नो क्लियर, ओके। जब हम कहेंगे मैं पिछले 7 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं पिछले 7 दिनों से ये काम कर रहा हूँ, तो उसमें फॉर द लास्ट वीक आएगा, हम बजाय इसके ये कहने के 7 डेज, हम कह देंगे फॉर द लास्ट वीक, ठीक है। और उस लास्ट वीक में जो 7 दिन है, वो 7 दिनों में से कोई सा भी दिन हो सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मखसूस उस हफ्ते के बारे में बात नहीं की जा रही है, उस हफ्ते में मौजूद किसी भी दिन के बारे में बात की जा रही है। जबकि सिंस लास्ट वीक का मतलब है जो अभी हफ्ता गुजरा, जो अभी हफ्ता गुजरा है उस पूरे हफ्ते को ही रेफर किया जा रहा है, उसके किसी एक दिन को नहीं, या उसके उसके किसी एक दिन को रेफर नहीं किया जा रहा। सिंस लास्ट वीक का मतलब है उसके किसी एक दिन को रेफर नहीं किया जा रहा, वो पूरे हफ्ते की बात की जा रही है।
ठीक है, सिंस के साथ आएगा तो आपका पूरा हफ्ता मतलब है, मफहूम बन रहा है, और अगर फॉर के साथ अगर हमने साथ लेंगे, ठीक है, क्लियर है, चले। अब हमारा द इंडस्ट्री हैज बिन इन डिके फॉर सम टाइम, ठीक है, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज कम अ लॉन्ग वे बैक द 1970s, 1917। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस द 1970s, ठीक है, सिंस हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थी, अभी आप करके बताएंगे मुझे। He hasn't been in contact with the office blank several days. बताइए, he hasn't been in contact with the office for, बिल्कुल ठीक, for several days. He's been a bit dizzy and confused, blank the accident. अब ये तो एक्सीडेंट है, जैसे जैसे था पैदाइश से, जब वो पैदा हुआ उस वक्त से, सिंस ही वॉज बोर्न, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरह से तो एक्सीडेंट जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ही इज बीन अ बिट डिजी एंड कंफ्यूज्ड, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो एक्सीडेंट का एक वक्त है, एक मोयन वक्त है, सेंस आएगा, बिल्कुल ठीक। हीज बीन अ बिट डिजी एंड कंफ्यूज्ड। हीज बीन अ ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, ब्लैंक मैनी इयर्स। जी, हीज बीन अ ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, फॉर, बिल्कुल ठीक। He has been cheating his customers, blank years and getting clean away with it. He has been cheating his customers for years. बिल्कुल ठीक, for years. He has been limping badly ever. Blank. The skiing accident. Since, बिल्कुल ठीक, since. I haven't seen you, blank the last meeting. I haven't seen you, blank the last meeting. Since, जी. सिंस है, लास्ट मीटिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। हिज एक्शंस ब्लैंक दैट मॉर्निंग हैव बीन एक्सेंट्रिक एंड अनप्रिडिक्टेबल। His action जी, सिंस रमजान अली, आपका बिल्कुल ठीक है। हिज एक्शंस सिंस दैट मॉर्निंग, ही हैज वर्कड इन दैट हेल होल वीक आफ्टर ईयर्स ब्लैंक ही वॉज 18।
सिंस ही वॉज 18। बिल्कुल ठीक, सिंस ही वॉज 18। सो दिस वॉज आवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग और आपको समझ भी सही से आया। इसकी आप को असाइनमेंट जो है वो आज ही मिल जाएगी आपके फेसबुक ग्रुप में। आपके फेसबुक ग्रुप में लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट से, और लेक्चर आपका राइट आफ्टर द क्लास आपको कुछ ही देर में, आपको इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएगी। पिछले की भी और ऑलरेडी मौजूद है, और इसकी भी आपको मिल जाएगी। इस हफ्ते जितने भी होंगे यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, मिस हो गया सुन लीजिएगा, रिवाइज करना ले लीजिएगा, यहाँ से दोबारा लेक्चर ले लीजिएगा, और यहाँ से आप अपनी लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट से असाइनमेंट अपनी, और असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है ताकि मुझे दोबारा आपसे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े। ठीक है ना? आपने असाइनमेंट करनी है और मुझे इंतजार रहेगा आपके असाइनमेंट का, आज ही आपको मिल जाएगी। ठीक है? जो लोग यूट्यूब पे लेक्चर सुनेंगे वो भी लाजमी इस ग्रुप में से जाके उसकी उस लेक्चर की असाइनमेंट लें और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे असाइनमेंट्स दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल, ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना लगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि जो भी आप सीखें उसी वक्त आपके जहन में वो पक्का हो जाए। ठीक है? आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके साथ ही, और आपको खुद को पता चल जाए आपको कितनी समझ आई है कितनी नहीं आई है। ठीक है? यहाँ से आप साथ में असाइनमेंट ले लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे लेक्चर सुन रहे हैं, तो असाइनमेंट आप यहाँ से ज़रूर ले लीजिए। ग्रुप में असाइनमेंट हर एक मौजूद है, वो आप लेके तो उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और उसको सेंड आप उसको ईमेल करेंगे, वो ईमेल एड्रेस उसका साथ है असाइनमेंट के, तो आप उसको ईमेल कर देंगे तो मैं आपको उसकी अगर कुछ बताना है, करेक्शन करनी है, तो वो भी आपको कर दूंगी। ठीक है? अपना ख्याल रखिए। कल फिर क्लास होगी, कल हमारा होगा पास्ट में हम जा रहे हैं, तो चलें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।